कैंटीन एट कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी विभागों की कैंटीन कैसे लें। सेट इजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमारे कई दर्शक जानना चाहते हैं कि कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और इसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता है। आज हम लोग इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि सरकारी विभागों या प्राइवेट कंपनी में कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिया जाता है, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता इसे लेने में हमें होती है। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल सेट इजी वर्ल्ड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकें। दोस्तों, अगर आप भी बड़े बड़े संस्थानों या सरकारी विभागों में कैंटीन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें, ताकि सभी बातें आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, आजकल अधिकतर बड़े बड़े संस्थानों एवं सरकारी विभागों में कैंटीन का प्रचलन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हम जहां कहीं भी जाते हैं, चाहे वे स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, मंडी प्रांगण या सरकारी दफ्तर, हमें वहाँ कैंटीन देखने को मिल ही जाता है। जो लोग इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं या इस तरह का काम कर रहे हैं, अपने प्राइवेट रेस्टोरेंट, होटल या दुकान के रूप में इस बिज़नेस को कर रहे हैं, उनके लिए ये कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। लेकिन जो लोग कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, किन्हीं संस्थानों में कैंटीन चला रहे हैं, वे सब जानते हैं कि इसे लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं और इसे कैसे हासिल किया जाता है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं लिया है और लेना चाहते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि कैसे लें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। जहाँ तक लगने वाले डॉक्यूमेंट्स का प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये डिपेंड करता है कि कैंटीन किस प्रकार का है। बहुत से कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर ऐसे भी निकलते हैं जिनमें कुछ भी नहीं मांगा जाता, केवल आपका आईडी कार्ड और धरोहर राशि की मांग की जाती है। कृषि मंडी समिति का एक ऐसा ही टेंडर मैंने अभी हाल में ही देखा था। इसके डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं, आइए इसकी स्टडी करते हैं। देखिए, इस टेंडर के टेंडर डॉक्यूमेंट, इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं मांगा गया है। 1,00,000 रुपये धरोहर स्वरूप अर्थात सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में मांगे गए हैं और स्वीकृत होने पर 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर मंडी समिति के साथ अनुबंध करना होगा। ये टेंडर ऑफलाइन है और इस प्रकार के छोटे टेंडर प्रायः ऑफलाइन ही होते हैं। आइए अब हम कैंटीन के ऑनलाइन टेंडर सर्च करते हैं और देखते हैं कि कैंटीन के टेंडर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो यहाँ हमें एक टेंडर मिलता है जिसका प्रकाशन मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल के द्वारा किया गया है। इस टेंडर फॉर्म को हम डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले इसका नोटिस देखते हैं, जिसमें ये टेंडर डॉक्यूमेंट 500 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। टेंडर के प्रकाशन की तारीख 16 दिसंबर 2019 है। टेंडर डॉक्यूमेंट 17 दिसंबर 2019 प्रातः 11 बजे से खरीदे जा सकते हैं। इसकी प्री बिड क्वेरीज 23 दिसंबर तक इनकी वेबसाइट के माध्यम से भेजी जा सकती है। यहाँ इन्होंने प्री बिड मीटिंग न रखते हुए क्वेरीज मांग ली हैं। सामान्यतः टेंडर्स में प्री बिड मीटिंग रखी जाती है, लेकिन समय अभाव के कारण क्वेरीज भी मांग ली जाती हैं, जिनका जवाब दे दिया जाता है। जिन लोगों को प्री बिड मीटिंग के बारे में पता नहीं है, वे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम वीडियो के माध्यम से समझा देंगे कि प्री बिड मीटिंग क्या होती है। 24 दिसंबर 11 बजे से हम अपनी बिड सबमिट कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 6 जनवरी 2020 1 बजे तक रखी गई है और 8 जनवरी 2020 को 1 बजे बिड ओपन की जानी है।
चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि क्या क्या मांगा गया है। सबसे पहले तो यहाँ एक शपथ पत्र का फॉर्मेट दिया गया है जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाना है। इसके बाद सब कुछ शर्तें दी गई हैं जो कि टेक्निकल बिट के माध्यम से हमें पूरी करनी है। इसमें मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जिसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, बाकी के पॉइंट्स तो संचालन हेतु दिए गए हैं क्योंकि सारी शर्तें पढ़ने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहला, दुकान स्थापना का जीवित प्रमाण पत्र। दूसरा, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, अर्थात विभाग देखना चाहता है कि हम पिछले वर्षों से आयकर चुकता कर रहे हैं या नहीं। तीसरा, कैंटीन चलाने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव। चौथा, फर्म का GST पंजीयन। पांचवा, फर्म का GST क्लियरेंस सर्टिफिकेट। छठवा, पिछले 2 वर्षों का वार्षिक टर्नओवर जो कि प्रत्येक वर्ष में कम से कम 5 लाख होना अनिवार्य है। सातवा, खाद्य विभाग द्वारा जारी खाद्य लाइसेंस या फूड लाइसेंस। इसके अलावा सभी पॉइंट्स पर संचालन की अलग अलग शर्तें और धरोहर राशि के बारे में दिया गया है, अर्थात ये 7 डॉक्यूमेंट्स होने पर हम कॉन्ट्रैक्ट पर कैंटीन ले सकते हैं। इनमें से भी GST क्लियरेंस और इनकम टैक्स क्लियरेंस ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिनके पास ये रजिस्ट्रेशन होते हैं उनके पास ये होते ही है। देखा जाए तो केवल 5 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, चलिए थोड़ा समय और लेते हैं और अब हम एक और टेंडर सर्च करते हैं जिससे पता चल जाएगा कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। मैंने ये एक हरियाणा के मेडिकल कॉलेज के कैंटीन का टेंडर डाउनलोड किया है, जल्दी जल्दी इसकी शर्तें देख लेते हैं। इस टेंडर में पिछले वाले टेंडर के डॉक्यूमेंट्स के अलावा ECS नंबर, EPF नंबर और ISO सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। कुछ टेंडर्स में FSSAI लाइसेंस भी मांगा जाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकाला जाता है, सभी प्रकार के टेंडर प्रकाशित होते हैं, जिनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह उसी प्रकार के कैंटीन के टेंडर के लिए अप्लाई कर सकता है। डिपेंड करता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूरत के अनुसार अप्लाई किया जा सकता है। टेंडर सभी प्रकार के प्रकाशित होते रहते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसा टेंडर लेने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो कर ही सकते हैं। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता जाता है और इंसान बड़ा होता जाता है। अपने कमेंट अवश्य लिखें। सेठ इजी वर्ल्ड से मैं हूँ सलोनी सेठ। थैंक यू।